उस टाइम पर आर एल्डर्स वो वेरी कर्मा ओरिएंटेड, एंड उनका कर्मा पता कैसे था? उनका कर्मा था गिविंग द बेस्ट आउटसाइड, बट इंटरनली इट वाज कंप्लीट सरेंडर. दे गेव देयर एवरीथिंग आउटसाइड टू लाइफ, बट इंटरनली वाज कंप्लीट सरेंडर. एंड दैट इज द वे टू बी. Give each day your best and then do namo to them, because they are our providers. That's another part of prayer. Fir beta, emotions like tyag, sacrifice, patience, being large-hearted, they were not weaknesses. ये ताकत के शब्द थे. त्याग वो ही कर सकता है जिसके पास अंदरूनी ताकत है. धैर्य वो ही रख सकता है जिसके पास अंदरूनी ताकत है. माफ वो ही कर सकता है जिसके पास अंदरूनी ताकत है. प्यार वो ही दे सकता है जिसके पास अंदरूनी ताकत है. वो उनके पास थी क्योंकि उनके दिलों में समर्पण था. ये सब कोर वैल्यूज उस वक्त बहुत जागृत थी हमारे समय में, हवा में. ये बहुत जागृत थी कोर वैल्यूज. ओके द लास्ट वर्ड. जी, आपने एक वर्ड यूज करा अपने अनसंग हीरो में बात करते करते, डिग्निटी. हर काम में डिग्निटी ढूंढो, हर रिश्ते में डिग्निटी ढूंढो, हर सोच में डिग्निटी ढूंढो, हर आदत में डिग्निटी ढूंढू. जहां डिग्निटी नहीं है वहां क्या मतलब रह जाएगा.